अब कितने घंटे लगेंगे? अभी तू बीमार है क्या? नहीं तो ठीक हूँ। आईलाइनर नहीं लगाया। देख कैसा लग रहा है कि तुझे अनीमिया है। लग गए। देखा, इसलिए तो मैं आईलाइनर नहीं लगाती। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर मेरे पास एक मस्त हैक है। तो बोल दे। नहीं, मैंने शर्म आ गई। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मत। सो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप तेरे मस्त मस्त दो नैन, मतलब कैसे बना सकते हो नैन, वो भी आईलाइनर से। तो आपने पहले वीडियो को एक लाइक करके 15,000 लाइक तक पहुंचा दो और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, पहले हैक में हमें चाहिए सेलो टेप। अरे नॉर्मल जैसा लगाते हैं वैसे नहीं। कैसे, चलो दिखाती हूँ। देखो भाई, सेलो टेप को नॉर्मल साइज में कट कर लो। अब जो कटे हुए सेलो टेप है उसे सीजर की मदद से ऐसे वी शेप में कट कर लो। अब जो ये वी शेप हो गया ना, बस इसको आई के कॉर्नर में बहुत ही सावधानी से सेट कर लो। और क्या, जैसे नॉर्मली आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही लगा लो और जो वी शेप है उस गैप को फिल कर लो। अब लो, बन गई ना विंग बिना टेंशन के। अब क्या, जैसे नॉर्मली आईलैश के ऊपर ऐसे लाइन खींचते हैं वैसे ही खींचो और विंग के साथ जॉइन कर लो। हो गया ना आईलाइनर लगाना। अब चलो देख लो। दूसरी प्रोसेस भी है क्या, बता। देखो, सबसे पहले हमें लेना है एक कार्ड। अब ले लो अपना आईलाइनर और कार्ड के एक साइड में आईलाइनर को ऐसे लगा लो। अब इस कार्ड को आई के कॉर्नर में ऐसे हल्का सा टच करो। अब क्या, लाइनर से लाइन की जो एंड है ना उसे खींच कर वी शेप क्रिएट करो और वी शेप जब क्रिएट हो जाए ना उसी को लाइनर से फिल कर लो। और जैसे आईलैश के नजदीक से लाइन खींचते है ना वैसे ही आईलाइनर को पहन लो। और ये हैक ना बहुत इजी है और ग्लू का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या बैबा कर रही है? तेरी वजह से मैं आईशैडो भी सही से लगा नहीं पाई। अरे यार, आईलाइनर एक सिकार सिकाती की लाइनर ही लूज हो गया। क्या लूज? अरे लूज मतलब खत्म हो गई रे। अच्छा, तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। बस ले लो एक एंगुलर ब्रश और ले लो आई शेडो पैलेट। अब ब्रश को पैलेट में जो डार्क ब्लैक कलर है ना उसे पिक कर लो। और क्या, अब धीरे धीरे सावधानी से लगाओ आपके आंखों में जैसे मैं लगा रही हूँ। अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो नॉर्मल लाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डेली सेम आईलाइनर लुक लगा के बोर हो गई। आज तो मैं लाइनर ही नहीं लगाऊंगी। तो ग्लैम लाइनर लुक लगा लेना। ग्लैम लाइनर कहाँ मिलेगा, कितने प्राइस है? अबे गधेरी, मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है, चल देख ले। बस कोई भी आईलाइनर ले लो और आई के कॉर्नर में से एक लंबा लाइन खींचो, थोड़ी टेढ़ा करके खींचना। अब आईलैश के नजदीक से ऐसे लाइन खींचना है और उस लाइन पे ऐसे जॉइन कर लेना है। और अब क्या, धीरे धीरे आई की स्टार्टिंग से जैसे आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही लगा लो। अब जहाँ ये आईलिड है ना वहाँ से ऐसे लहराते हुए एक लाइन खींचो और बाहर जो विंग है उसमें ऐसे जॉइन कर दो। अब एक ब्रश में लो स्काई कलर की ग्लिटर, बस ऐसे पिक करो और उस गैप में ऐसे लगा दो। अब कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो। फिर लिया है पर्पल और पिंक कलर, बस ऐसे पिक किया और लगा लिया। अब देखो सुपर वाला लुक हुआ ना।
क्या लजीज खाना बनाया है। अबे क्या हुआ भूतनी के, सही से खाना हजम करने भी नहीं देती। हर बार जब भी मैं मेकअप करती हूँ लास्ट में आईलाइनर क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि तू आईलाइनर लगाने के बाद सेटिंग स्प्रे लगाती है इसीलिए। मतलब मेकअप करते टाइम ना हम बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं जो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। मतलब पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम लगाते हैं सेटिंग स्प्रे, देख लिया लापरवाही का नतीजा। इसीलिए पहले मेकअप की जो बेस है ना उसे कर लो और ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लो। अब ब्लेंड करने के बाद पाउडर से मेकअप की जो बेस है उसे सेट करो। अब बेस करने के बाद लगाओ ब्लश। अरे ब्लश नहीं लगाया तो क्या लगाया बताओ। और फिर लगाओ हाइलाइटर। हाइलाइटर के बिना कभी मेकअप कंप्लीट होता है भला? तो दोस्तों हाइलाइटर लगाने के बाद लगाना है एट लास्ट सेटिंग स्प्रे। इससे आपके जो बेस है ना वो एकदम एक ही जगह पर सेट हो जाएगा। फिर इसे ड्राई करो। ड्राई हो जाने के बाद अब लगाओ आईलाइनर, पर एक मस्त ट्रिक से। बस ले लो एक टूथपिक और टूथपिक में लगाओ आईलाइनर। और क्या, बस थप्पा लगाओ। आप सोच रहे हो कहाँ थप्पा लगाना है? अरे आई की जो कॉर्नर है ना वहाँ पे एक लगाओ। वहाँ की जो लाइन एंड होती है उसी लाइन को टच करते हुए आई की जो कॉर्नर है ना वहाँ पे ऐसे टच करो, और जहाँ पे लाइन खत्म हुआ है वहाँ से आईलिड के नीचे से ऐसे टच करो। देखा, वी शेप हो गया। और क्या, अभी आईलाइनर से इस वी शेप को फिल कर लो और जैसे नॉर्मली आईलाइनर लगाते हैं वैसे ही लगा लो और लगाओ मस्कारा। बस कंप्लीट। चलो ब्यूटी शॉट दिखा देती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आज का लाइनर ट्रिक्स? अच्छा लगा है ना? अरे लगा है ना तो लाइक करो ना। और कौन से वाला हैक सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलना, और साइड में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना।